अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद पर कोरमा, कढ़ाई, कोफ्ते तो सभी बनाते हैं। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों के पास ऑप्शन हो कि आप कुछ डिफरेंट भी ट्राई क्या कर सकें। आज मैंने बनाया है हांडी कबाब। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से आप बहुत ही मज़ेदार से हांडी कबाब तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम कबाब का मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने चॉपर में 1.5 प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। मेरे पास दो दरमियाने साइज़ के थे, तो मैंने इसमें 1.5 डाल दिया। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का प्याज है तो आप 1 ही डाल दें। सबसे पहले हम इसे चॉप कर लेंगे और इसका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे। प्याज चॉप हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे, उसका पानी निचोड़ कर साइड पर रख लेंगे। बाकी के मसाले जो हमने कबाब के अंदर ऐड करने हैं, हरे मसाले, वो चॉप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 7 से 8 जवे लहसुन के हैं मेरे पास, जो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा होगा अदरक का, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने डाल दिए हैं, और धनिया डाल दिया है। धनिया के बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेंगे, यहाँ तक ये बिल्कुल बारीक सा हो जाए। तीन से चार मिनट में हमारे मसाले चॉप्ड हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल इस तरह का हमें जो है मटेरियल चाहिए। अब हम इसके अंदर कीमा और जो प्याज जिसका पानी हमने निचोड़ कर रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, और दोबारा से सारे मसाले मशीन चलाकर मिक्स कर लेंगे, चॉपर को चलाकर। ये देखिए ये मेरे पास कीमा है, सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चॉपर में मैं कीमा इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे पास जो कीमा है वो बहुत ही मोटा मोटा है, तो चॉपर में डालने से ये होगा कि वो बिल्कुल मसालों के साथ मिक्स भी हो जाएगा और थोड़ा स्मूथ भी हो जाएगा, कबाब बनाने में भी आसानी रहेगी। अगर आपके पास मशीन का कीमा पहले से ही बना हुआ है और बहुत ही बारीक कीमा है, तो उसको फिर चॉपर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मसाले आप चॉप करें, उसके अंदर डालकर हाथों की मदद से मिक्स कर लें। ये देखिए हमारा कीमा अच्छी तरह से तकरीबन हो चुका है, 1-2 मिनट में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से सारे मसाले भी मिक्स हो चुके हैं, कीमा भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी बॉल में और खुश्क मसाला जात इसके अंदर ऐड करेंगे, जो जो हमें ज़रूरत है। खुश्क मसाला जात के अलावा इसमें जाएगा 1 अंडा। अंडा डालने से ये होगा कि कबाब में जो ग्रिप है वो अच्छी रहेगी और बनाने में भी आसानी रहेगी। लेकिन कुछ लोग अगर अंडे से जो एलर्जिक होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसकी हीक बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब ये पक कर कबाब तैयार हो जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको इसमें महसूस भी नहीं होगा कि अंडा डला हुआ है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग अंडा यूज़ नहीं करते और एलर्जिक हैं, तो वो इसकी जगह बेसन का 1 बड़ा चम्मच, भुना हुआ बेसन का 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर ऐड कर दें, या चना दाल जो है उसको भून कर पीस कर 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दें। यहाँ पर अब मैंने 1 बड़ा बॉल लिया है, इसके अंदर मैं कीमा भी ऐड कर दूँगी, अंडा भी और खुश्क मसाला जात भी, और अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले इसके अंदर हमने कीमा ऐड कर दिया, उसके बाद इसमें अंडा ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, और उसके बाद अब बारी है खुश्क मसाला जात की। नमक ऐड कर दिया मैंने हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है कोरिएंडर पाउडर, और 2 टीस्पून तकरीबन होगा मैं रेड चिली पाउडर इसके अंदर ऐड किया है, और 1 टीस्पून ही टर्मरिक पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। थोड़े से हम चिली फ्लेक्स या 1/2 टीस्पून से भी कम ही है चिली फ्लेक्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 4 से 5 कलौंजी के दाने हैं, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मेरे पास अजवाइन है, हाथों पर अच्छी तरह से मसल कर मैंने इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरा तकरीबन ये 1/2 टीस्पून होगा, हाथों पर ये भी मसल कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें क्यूमन पाउडर ऐड कर दिया है, ज़ीरा पाउडर, और अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी, यहाँ तक कि ये सारे मसाला जात, खुश्क मसाला जात और अंडा जो वह है कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कबाब मसाला तो हमारा हो चुका है तैयार, 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि कबाब बनाने में आसानी रहे। तकरीबन हमारे कबाब मसालों को फ्रिज में रखे 10 मिनट हो चुके हैं, और अच्छी तरह से अंडा जो है वो मिक्स हो चुका है कीमे के साथ, कबाब बनाना अब आसान रहेंगे। तो अब हम कबाब तैयार कर लेते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि किस शेप में आपने कबाब तैयार करने हैं। जितने बड़े साइज़ का आपको कबाब चाहिए, उसी हिसाब से आप कीमा लेंगे और यूँ हाथों की मदद से इस तरह से शेप दे लेंगे। सारे कबाब ही इसी तरह से तैयार करने, ये देखिए हमारा कबाब तैयार हो चुका है, बाकी के कबाब भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। कबाब बनाते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कीमा जो है वो एक ही साइज़ का आप लें, ताकि कबाब सारे जो हैं वो एक ही साइज़ के तैयार हों। तो ये देखिए हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं।
अब इन कबाबों को हम ग्रिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रिल के लिए पैन ले लिया है, चूल्हा ऑन कर दिया है। पहले अच्छी तरह से इसको गर्म कर लेंगे, फिर थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे जो कबाब हैं वो चिपके नहीं। इतना आपने ऑयल लगाना है कि कबाब चिपके नहीं। बहुत ही ज़्यादा इसको फिल नहीं करना कि इसमें बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करने हमने, बस जो उसका पैंदे है उस पर कबाब चिपके नहीं। पहली दफ़ा जब आप कबाब की साइड बदलें तो किसी चम्मच से, या फिर अगर आपके पास टोंग है तो उसकी मदद से बदल लें ताकि जो कबाब हैं वो टूटे नहीं, उनकी शेप ख़राब ना हो। सारे कबाब किसी तरह से हम साइड बदल कर अच्छी तरह से इन सबको ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए हमारे एक दफ़ा कबाब तैयार हो चुके हैं, बाकी के जो बच गए हैं वो भी इसी तरह से ग्रिल कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम हांडी कबाब की जो ग्रेवी हमने तैयार करनी है उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक ब्लेंडर में मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कीमा ज़्यादा है, मेरे पास आधा किलो कीमे के कबाब हैं तो मैं उसी हिसाब से ग्रेवी तैयार करूँगी, लेकिन अगर आपके पास कीमा ज़्यादा है तो आप ये सब इन्ग्रीडियंट्स भी ज़्यादा कर देंगे। 4 से 5 जवे लहसुन के ऐड किए हैं, 2 टुकड़े अदरक के और 1 बड़े साइज़ का टमाटर इसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसके अंदर दही भी ऐड करना है तो इसी हिसाब से मैं टमाटर ऐड करूँगी। इस तरह से ये होगा कि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़ेदार से तैयार होगी। और ये देखिए इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है, इस तरह से ये स्मूथ होना चाहिए। अब एक पैन लिया है, पैन में मैंने कोई ऑयल ऐड नहीं किया, पहले डायरेक्ट ही मैंने इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ मसाला ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। क्विक मसाला जात भी इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। नमक मैंने डाल दिया इसमें हसबे जायका। इस तरह से ये होगा कि इसका कच्चापन जब ख़त्म हो जाएगा तो ऑयल डालकर हम भून लेंगे। रेड चिली पाउडर मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है। आप अगर तेज़ पसंद करते हैं, थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है। सारे खुश मसाला जात ही हम इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून कर, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा कच्चापन भी मसालों का, तो ऑयल डालकर मज़ीद भून लेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर भी ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी क्योंकि इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका मसाले का पानी खुश्क कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मसाले का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल तकरीबन ये 1 बड़ा चम्मच ऑयल होगा इसके अंदर। ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मज़ीद भून लेंगे ताकि इसमें अगर थोड़ा सा भी कच्चापन रह गया तो वो अच्छी तरह से भुन जाए और ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही तकरीबन इसमें 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से उसको पहले मैंने फेंट लिया है और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड किया है ताकि जब हम ग्रेवी के अंदर डालें तो दही जले नहीं और बराबर मिक्स हो जाए। दही डालने के 2 से 3 मिनट के बाद कबाब जो हमारे हमने ग्रिल किए थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। सारे कबाब भी हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। कबाब अब अच्छी तरह से ग्रिल हो चुके हैं तो इनसे टूटने का तो बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। कबाब डालने के बाद अब जिस पैन में हमने ग्रिल किया था उसके अंदर जो ऑयल है थोड़ा सा वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ये होगा कि जब हमने ग्रिल किया है तो वो जो खुशबू है ग्रिल होने की वो ऑयल में भी शामिल हो जाती है, तो उसकी सारी खुशबू हमारे मसाले में भी आ जाएगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि पहले अच्छी तरह से कबाब भी फ्राई हो चुके हैं और हमारा मसाला भी फ्राई हो चुका है, इसलिए 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। पानी आपने जितनी ग्रेवी, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर लें। मैंने इसमें 1 बड़ा कप पानी ऐड किया है और ढकना दे दिया। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू हुआ है मैंने इसमें 4 सब्ज़ी मिर्च डाल दी हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, और थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया है। दम पर रख देते हैं और ये देखें हमारे बहुत ही मज़ेदार से हांडी कबाब तैयार हो चुके हैं। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह के हमारे हांडी कबाब तैयार हुए हैं। तो जी हमारे बहुत ही मज़ेदार से हांडी कबाब तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ में मैंने, क्योंकि हम लंच के टाइम पे तैयार कर रहे हैं, तो मैंने लच्छा प्याज भी बना लिए हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और दिल कर रहा है कि जल्दी से मैं खा लूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कबाब तोड़ के दिखाऊँ कि किस तरह का कबाब हमारा तैयार हुआ है।
और ये देखिए हमारा कितना मज़े का कबाब तैयार हुआ है, टेस्ट भी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा कबाब कैसा तैयार हुआ है। थोड़ा सा प्याज भी रख लेती हूँ, बाइट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, बहुत मज़े का तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस तरह आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान।